नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत गिरी आप सभी मित्रों का इस सोशल मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने धर्म संस्कार और संस्कृति में प्रार्थना शब्द का बहुत ही महत्व और उल्लेख बताया गया है और हम बचपन से प्रार्थना करते आ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना का महत्व और फायदा पता नहीं है। मेरा छोटा सा प्रयास अपने सनातन धर्म और जन जागृति के प्रति। प्रार्थना संस्कृत का शब्द है जिसे निवेदन, विनय, विनती और इंग्लिश में रिक्वेस्ट भी कहते हैं, और धार्मिक दृष्टि से प्रार्थना को पूजा, अर्चना, उपासना और आराधना कहते हैं। प्रार्थना का मतलब या तात्पर्य यह है कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट या अपने भगवान से किसी वस्तु के लिए निवेदन करना या स्तुति करना प्रार्थना कहलाता है। प्रार्थना एक आह्वान है, एक पुकार है, पार्थी और निवेदन के हृदय से निकला एक आवाज है। प्रार्थना एक महान इच्छा, आस्था और विश्वास है। प्रार्थना शक्ति अर्जन करने का सही और बेहतरीन माध्यम है। प्रार्थना एक रास्ता है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और सृष्टि के निर्माता के साथ एक होने का एहसास दिलाता है। प्रार्थना एक कवच है जो प्रत्येक भय से हमारी रक्षा करता है। प्रार्थना वाणी, मन और शरीर का संगम है। दोस्तों, प्रार्थना क्यों करना चाहिए? तो प्रार्थना बहुत अद्भुत होता है। जीवन में प्रार्थना बहुत अद्भुत काम करता है। प्रार्थना से बल, विश्वास, आशा, शांति, समृद्धि, सपन्नता, खुशहाली, निर्भयता, अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, सम्मान और ज्ञान मिलता है और सही मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपका दिल देखते हैं। गॉड वांट्स योर हार्ट व्हेन यू प्रे, एंड प्रे डजंट डिमांड हाई इंटेलिजेंसी। शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि भगवान अधिक पसंद करते हैं, और शुद्ध हृदय से किया गया प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाता है। द प्रेयर फ्रॉम ए प्योर हार्ट नेवर गोज अनहर्ड। भगवान कहते हैं कि आप अपने मन का विकार जलाओ और शुद्ध मन से मेरे सामने आओ, फिर भगवान हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करते हैं। सफलता के मार्ग में आए सभी समस्याएं और बाधाओं को दूर करते हैं। प्रार्थना कैसे अद्भुत काम करता है? लगातार प्रार्थना भगवान का ध्यान हमारी ओर खींच लेता है और भगवान हमें अपने संरक्षण में, अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार भगवान भी हमें अपनी ओर खींच लेते हैं और हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हर विपत्ति और खतरे से बचाते हैं। प्रार्थना से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बहुत फायदे हैं। प्रार्थना एक मानसिक व्यायाम है जो मन के समस्त विकारों को खत्म करता है, नष्ट करता है, चित्त को केंद्रित करता है और विश्वास को दृढ़ करता है। दैनिक जीवन में प्रार्थना का महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है। प्रार्थना हमारे दिल को, मन को शांति, ताकत और पवित्रता से भर देता है। प्रार्थना आध्यात्मिक साहस और शक्ति है। प्रार्थना असंभव को संभव करता है। प्रार्थना परमप्रीतता के प्रति एक कृतज्ञता है। प्रार्थना स्वयं का उद्धार का माध्यम है। प्रार्थना से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। प्रार्थना से विचारों का नया जीवन मिलता है और बुरे विचार भी नष्ट होते हैं। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना ज्यादा असरदार, कारगर और फलदायी होता है। ओम अस्तुता वरदा वेदमता प्रचोद्यांतम पावानी द्विजानाम आयु प्राण प्रजाम पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्म चस्व
महयम दत्वा वर्जत ब्रह्मलोकम। ओम यते अग्ने तेज हस्ते नहम भूयासाम। ओम यते अग्ने वर्चस्ते नहम तेजस्वी भूयासाम। ओम यते अग्ने हरहस्ते नहम हरहस्वी भूयासाम। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योति गर्मय। ओम मृत्युर मार अमृतम गम्य। ईश्वर सर्वव्यापी और दयालु है। हम सभी ईश्वर के संतान हैं और हर किसी की आवश्यकता तथा इच्छा की जानकारी हमारे परम पिता को है। परम पिता दयालु होने के नाते हमारे मनोरथ इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। बस हमारे प्रार्थना को पूरा करने के लिए परम पिता उत्सुक और तत्पर बैठे हैं। आप सभी का धन्यवाद। सामूहिक प्रार्थना घर में और मंदिरों में कीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार। जय हिंद।